निशान उठ भी जाए कि आप मुझे इतनी भूख लग रही है। लग आपको भी रही नहीं है, बट उठने वाली बात है तो वो उसमें आप बहुत ढिले हैं। उठ जाए प्लीज। हाँ जी उठे ना। उठ रहा हूँ अभी तो, टाइम देखे क्या हुआ, इतनी जल्दी आपने खा के क्या करना है? नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला देना। क्या खाना है? आलू कीमा आज बना दे। आलू कीमा? जी वो तो मैं दुबई में भी बनाता था। अच्छा तो बहुत दिन हो गया हमारे घर बना भी नहीं है, तो चले बना दे अब आप। मैंने सुना है आपने सांस लेना है। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आपकी मम्मी से मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी आपके बारे में बड़ी तारीफें सुनी थी, कभी सारी झूठी निकली है सब झूठ। नहीं कभी कभी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना चाहिए, ये गलत। मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हुई थी, आप बहुत कम बोलती हैं, आहिस्ता बोलती हैं, बोलती ही नहीं है बल्कि। और गर्मी में तो इन जो है ना सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करना चाहिए, वो भी स्पेशली किचन के काम हो उनकी। चलो ठीक है मैं उठ रहा हूँ, ठीक है सही है जल्दी जी। तो टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा काट के फेंक देना है, तो इसको टमाटर को चार हिस्सों में जो है ना वो काट लेना, ताकि अच्छी तरह चॉप हो जाए, ठीक है, आसानी से, चॉपर के लिए भी आसानी हो और अच्छी तरह चॉप भी हो जाए जी। तो इसको साइड पे रख लेना है, और प्याज जो है वो पहले से काटे हुए हैं मैंने, तो आप प्याजों को जो है वो चॉपर मशीन में डालना है, ये डाल के चॉपर चला देना है। पाकिस्तान में दरअसल इतना मुझे पता नहीं है इनका, मैं वैसे बाहर ही बनाता था खाना वगैरह, तो मैंने पहली दफ़ा ही पाकिस्तान आके चेक किया कि कैसा बनता है। ये चॉप हो गया प्याज, तो प्याजों को चॉप करके अच्छी तरह बिल्कुल बारीक करके हमने उस ऑयल में मिक्स करना है अभी। ये देखें बिल्कुल प्याज जो है ना बिल्कुल बारीक हो गए, सबसे आसान तरीका ये प्याज जो है ना चॉप करने का। अभी हम इसको ऑयल में मिक्स करेंगे जो हमने गर्म किया है, बिल्कुल अच्छी तरह से इनको निकाल के ना हम ऑयल में डालेंगे, और आराम से जो है ना इसको हम डाल रहे हैं आराम से इसको। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, बाकी सुरख मिर्चें, नमक, खुश धनिया, और वो चौथी चीज़ है हल्दी, वो हम इसमें सारा कुछ ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम एंड पे ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करना, सिर्फ वो बाहर निकालें, क्योंकि ये ना हो कि मैं ढूंढता रहूँ कि गरम मसाला कहाँ पे गया और एंड पे मुझे मिले ही ना, वो हमने सिर्फ साइड पर रख लिया, बस गरम मसाला रह गया, बाकी सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम इसमें सब कुछ हम मिक्स करेंगे। अब हम आलू काट रहे हैं, आलू काटने के बाद आलू का ये साइज़ रखना है, इसको हम पहले इस तरह काट के फिर हम इसको जो है ना दोबारा और आधा कर लेंगे इस साइज़ से। तो टमाटर अब ये मैंने जो हिस्से काटे थे चार हिस्सों में, वो अब चॉपर में डाल के चॉप करने हैं, ताकि आसानी भी हो जाए। इनको बिल्कुल बारीक कर देना, पेस्ट बना लेना, बारीक पेस्ट बना ली हमने, और अब हम इसको सालन में मिक्स करेंगे। अब ये जो है ना टमाटर का पेस्ट मैं सालन में डाल के अच्छी तरह चमचे के मदद से जो है ना मिक्स कर रहा हूँ। जी तो अब हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया है, क्योंकि आज आलू कीमा बना रहे हैं, तो कीमा ऐड करके अच्छी तरह जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब ये देखें कीमा बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मिक्स हो गया इसमें। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो मैंने काटे हुए हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करके सेम जो भी चीज़ डाली है वो अच्छी तरह मिक्स करनी है, ताकि वो अपना जायका जो है ना अच्छी तरह जो है सारा कुछ बीच में मिला ले। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि आलू जो है ना आलू गल जाएँ और खाने में जो अच्छे लगे, नरम हो जाए बिल्कुल। अब हम इसको कुछ देर के लिए जो है ना वो ढाँप देंगे, ताकि पानी जो शोरबा टाइप बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम अदरक छीलेंगे, अदरक मैं छील रहा हूँ, इसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। अब गरम मसाला जो कि पहले बचा था, धनिया और अदरक जो है ना, अदरक हम थोड़े बड़े पीसीस में ही काटते हैं, तो ये हम सबसे एंड पे जो है ना
इसको जब ये मतलब पानी अभी है इसलिए अब इसे दोबारा डाल देंगे थोड़ी देर तक जो है। धनिया, ये हमने धनिया इसको मिक्स कर दिया अंदर, और ये गरम मसाला मैं मिक्स करने लगा हूँ, और अदरक जो है ना इसके बाद, अदरक हम थोड़ा सा बड़े पीसेस में काटते हैं तो आप छोटी भी काट सकते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अम्मी अबू जो है ना वो बड़े पीसेस में खाना पसंद करते हैं, अदरक उन्हें बहुत पसंद है। अब सेम वही इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जी। तो एक दफ़ा भी जो है ना चमचा मैंने ठीक से नहीं हिलाया, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हुई पड़ी थी, तो बेगम साहिबा साथ कबाब तैयार कर रही थी, ये सलाद जो है वो भी उन्होंने बनाया, रोटी उनकी मैं दिखा नहीं सकता आप रोटी के लिए माजरत, और ये आलू कीमा जो है ना ये मैंने बनाया। आप इसका जो है ना माशाल्लाह रंगत देखें बस आप। तो ये मैं बेगम साहिबा को पहला निवाला खिलाने लगा हूँ, देखें वो कैसा रिएक्शन देती है, दुआ करें बस वो पास कर दें, क्योंकि बेगमों के तरफ से चीज़ पास करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। चलें देखते हैं हम। मुबारक हो जी, बेगम साहिबा ने पास कर दिया, मुबारक जी। तो इतना आला किस्म का सालन बनाया इन्होंने, मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे गर्मी बहुत थी, मुझे भूख नहीं लगी थी, बट दिल है क्या मैं ये कीमा आलू ही खाती रहूं। बनाई है बेचारों ने मेरी बात मानी है, तो अब उनके कपड़े बिल्कुल पसीने से भरे हुए हैं। थैंक यू सो मच जीशान, बहुत मजे का सब कुछ। कोई मसला नहीं जी, गर्मी देखे मेरे कपड़ों की हालत देख रही है आप। आज आपको एहसास हुआ कि हम कैसे बनाते हैं, लेकिन आप ये बात मानते नहीं है। तो मर्द भी बड़े मुश्किल से कमा के लाते हैं। नहीं ये बात किचन में ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने बनाया, मुझे इतनी भूख लग रही है। चले जी मैं आप खाना खाती हूँ, जीशान का बनाया वाला सालन मैं एंजॉय करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है, बहुत मजे का। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।